अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद असलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलामती की दुआ आप सबके लिए। आज की स्पेसिफिक एपिसोड हम लोग बनाने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए, उन्होंने 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी ट्विन सिटीज़ में। बेसिकली जो सेरेमनी थी दैट वॉज कंडक्टेड फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ फ्लाईओवर, जो DHA 5 और DHA 2 की कनेक्टिविटी का फ्लाईओवर था उसकी कनेक्टिविटी की सेरेमनी थी। उसके साथ 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हुई। सबसे टॉप पे जो द मोस्ट अवेटेड और पेंडेड आप कह लें जो प्रोजेक्ट था ट्विन सिटीज का और मच नीडेड प्रोजेक्ट था रावलपिंडी रिंग रोड, फाइनली उसकी इनॉग्रेशन होगी, सॉरी इनॉग्रेशन कह रहा हूँ, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, यानी काम शुरू होने जा रहा है। सेकेंड नंबर पे जो टी चौक बनता है, तो टी चौक पे एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट रहता था ट्रैफिक का, जिन्होंने लाहौर की तरफ से आना होता था GT रोड से या जाना होता था, तो उस चौक की वजह से नॉर्मली आधा घंटा घंटा नॉर्मल पेस पे ट्रैफिक जैम रहती थी। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उस पर काम शुरू होने जा रहा है। फिर जो थर्ड नंबर पे है कि खारिया से रावलपिंडी, जो सियालकोट से रावलपिंडी जो मोटरवे है उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, क्योंकि लाहौर से लेकर सियालकोट तक उसकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। सियालकोट खारिया और खारिया से पिंडी, ये जो सेकंड पैच था इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है। तो बेसिकली ये जो 3 मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं ट्विन सिटीज में, ये शहर की एक्सपेंशन को एक अलग से आप कह सकते हैं बूम पे लेके जाएंगे, रियल एस्टेट को भी और बाकी कारोबार भी जो हैं, क्योंकि अभी तक जो मेन सिटी तसव्वुर होता है वो तसव्वुर होता है आप जैसे ही DHA 2 क्रॉस करते हैं तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी पिंडी खत्म हो गया है। और अगेन जब रिंग रोड बनेगा तो पूरा पंजाब, पूरा सिंध, जिसने भी KPK में जाना है, जिसने भी GB जाना है, जिसने भी कश्मीर जाना है, वो सारे पिंडी इस्लामाबाद से होकर गुजरते थे, तो वो ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो खारियां, सियालकोट खारियां और पिंडी जो मोटरवे कनेक्टिविटी पॉइंट है वो बेसिकली चौक पंडोरी एक जगह है कलर सजना रोड पे, और 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन गेट ऑफ DHO वैली। DHO वैली के गेट से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक आप कह सकते हैं मोटरवे जब उस एरिया में लैंड करेगी तो DHA वैली या जिसको DHA 7 कहता है उसकी जो फ्यूचर की प्राइस है उसको अच्छा जंप मिलेगा, लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके बाद जब रिंग रोड की बात करते हैं तो रिंग रोड के साथ फिर और काफी सोसाइटीज हैं, DHA 3 आता है, बैरियर फेज 8 एक्सटेंशन आता है, रूडन इनक्लेव आता है, फैसल टाउन फेज 2 आता है, ब्लूवर्ड सिटी का भी किसी ना किसी तरह से घूम के जो इम्पैक्ट रिंग रोड का उस पर आएगा, फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फिर उससे आप आगे चले जाते हैं तो आगे जाते हैं तो जाके वो कनेक्ट करेगा ठलिया को, पहला इंटरचेंज बनेगा आपका रवात और मंदरा के दरमियान, दूसरा बन रहा है आपका चकबेली रोड पे, तीसरा अडियाला रोड पे है, चौथा जो है वो चक्री रोड पे, और पांचवा जो इंटरचेंज है वो ठलिया को कनेक्ट करेगा। तो PC 1 Phase 1 का काम स्टार्ट होने जा रहा है रिंग रोड का। तो ओवरऑल इन एरियाज में पास्ट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस इन्वेस्टमेंट्स में भी अच्छे जाम पाएंगे और रियल एस्टेट के अलावा भी इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे और काफी मौके बनेंगे लोगों को काम के लिए और फैसिलिटीज मिलेंगी लोगों को। तो बाकी स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द अपडेट्स, इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है।